नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको शाबर मंत्र को जागृत करने की विधियां बता रहा हूं। दोस्तों, विधि नंबर एक, कभी ऐसा भी होता है कि उचित विधि से शाबर मंत्र का प्रयोग करने के बाद भी साधना में सिद्धि नहीं मिलती, ऐसे समय शाबर मंत्र को जागृत करने की आवश्यकता होती है। शाबर मंत्र को जागृत करने की अनुभूति विधियां इस प्रकार है। एक अखंड व बड़ा भोजपत्र लें, अष्टगंध लें और अष्टगंध में गंगा जल या गुलाब जल मिलाकर स्याही बनाएं। दालिम की लेखनी से भोजपत्र पर 108 बार उस मंत्र को लिखें जिसे जागृत करना है। यदि मंत्र बड़ा हो तो 3, 5, 7, 9 या 11 बार लिखें। लेखन के साथ साथ मंत्रोच्चारण करता रहे। फिर एक पाते या चौकी के ऊपर नया वस्त्र बिछाएं। वस्त्र के ऊपर मिट्टी का नय कलश रखें। साथ ही मंत्र लिखित भोजपत्र भी रखें। धूप दीप नैवेद्य से भोजपत्र का पूजन करें। पूजन के बाद 108 बार पुनः मंत्र का जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को दान दक्षिणा दें। कलश में नया वस्त्र रखकर उसके ऊपर मंत्र लिखा हुआ भोजपत्र रख दें। कलश का मुंह बंद कर दें और उसे बहती हुई नदी के जल में प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करते समय साधक मंत्र का उच्चारण करता रहे। विसर्जन के बाद घर आए सब कार्य श्रद्धा से करें। साध्य मंत्र का प्रभाव शीघ्र ही फलित होता दिखाई देगा। अब विधि नंबर दो, शाबर मंत्र सरलता से सिद्ध हो जाती है, तथापि अनेक बार प्रयत्न करने पर भी यदि वे सिद्ध न हो तो मंत्र को जागृत करने का अनुष्ठान करें। रविवार की रात में आशावरी देवी की पूजा कर कांसे की थाली को राख से स्वच्छ कर उसे सामने रखें और प्रत्येक प्रहर के प्रारंभ में अभीष्ट मंत्र को 108 बार जपें। चौथे प्रहर में मंत्र जाप के पश्चात खैर की डंडी से हिंदी अथवा मातृभाषा में कहें, हे मंत्र देवी जागृत हो। साथ ही उक्त थाली को बजाएं। इस प्रकार से मंत्र जागृत होकर सफलता प्रदान करता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।